ये सोना 10 तक के हो गया है, 9800 देखो 9800 हो गया ना, 13300 दोनों जोड़ के बराबर है, इसे भी आगे तीसरे पोजीशन पे आगे बीजेपी और दूसरे तीसरे तीन के लल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तीन दिन जिसमें राजिम बिंद्रानगढ़ और सराईपाली तीन विधानसभा कंप्लीट किया और सभी जगह शासकीय योजनाओं के प्रति लोगों में उत्साह भी है और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। धान खरीदी भी लगातार चल रहा है और निर्बाध गति से चल रहा है, कहीं कोई शिकायत बारदाने की, तौलाई की या धान उठाव की या पेमेंट की कोई शिकायत नहीं है, सब बढ़िया से संचालित हो रहा है। मैं समझता हूँ प्रदेश में इस साल धान खरीदी का, वैसे तो हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, इस साल भी रिकॉर्ड टूटेगा, तो काफ़ी अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। पैरा धान के लिए भी मैंने अपील की है तो अधिकांश किसान हैं वो पैरा जलाने का काम नहीं किए हैं, कुछ एक किसान थोड़ा बहुत जलाए हैं, तो इसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सभी से फिर से मैं निवेदन करूँगा और मीडिया के भी साथियों से कहना चाहूँगा, पैरा दान के लिए वो लोग प्रोत्साहित करें और उनको सम्मानित करना भी चाहिए, ताकि एक तो कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, दूसरा मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध होगा। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? भेंट मुलाकात के दौरान ऐसी कोई बातें जिसको आप शेयर करना चाहें, ऐसी कोई समस्या जिसका निदान किया हो तब? सबसे ज़्यादा बैंकों की मांग आ रही है, बोले हम लाइन लगाए रहते हैं, पैसा नहीं निकाल पाते हैं, भीड़ बहुत रहती है, तो सभी जगह बैंक की डिमांड आ रही है, खासकर आदिवासी अंचल में आरक्षित क्षेत्रों में, तो वहाँ हमने घोषणा की है और खासकर जो देवभोग और बिंद्रानगढ़ इलाके में बिजली की जो लो वोल्टेज की समस्या बहुत पहले से बनी हुई, पिछले समय भी स्वीकृत किया और एक डेढ़ महीने के अंदर में जो इंदा गाँव का जो सब स्टेशन है संचालित हो जाएगा, तो उससे काफ़ी कुछ राहत मिलेगी और मैं समझता हूँ कि लो वोल्टेज की समस्या वहाँ ख़त्म हो जाएगी। सर आप पहले राउंड से ही सावित्री मंडा भी आगे चल रही हैं, क्या बताते हैं ये नतीजे? ये बताते हैं कि सरकार के प्रति लोगों को विश्वास कायम है और दूसरा ये है कि वहाँ मनोज मंडावी जी के जो किए हुए कार्य हैं उस पर मुहर लगी है। भारतीय जनता पार्टी कड़ी संघर्ष कर रही है दूसरे और तीसरे स्थान के लिए। विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज माना जाए? 2023 के तो अभी शुरुआत नहीं किए हैं, लेकिन हाँ ये उपचुनाव लगातार जितने उपचुनाव हुए हैं कांग्रेस अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती है, तो जनता का समर्थन लगातार सरकार पर बनी हुई है, ये बात पर लक्षित हो रहा है। सर आपने सराईपाली में भी भेंट मुलाकात का दौरा किया है, उस क्षेत्र की एक पुरानी बहुत मांग रही है कि जिला बनाया जाए सराईपाली को, इसको लेकर आप? मैंने वहाँ भी बोल दिया है कि अब चूँकि अब समय कम बचा है चुनाव का, अब तो साल भर भी नहीं बचा, तो ऐसे समय में वहाँ जिला बनाने के बात तो नहीं हो सकती। हिमाचल में अभी कांग्रेस जो है वो काफी आगे चल रही है, लेकिन कुछ जगह अभी भी भाजपा टक्कर में है, तो क्या लग रहा है वहाँ पे कुछ संभावना? अब वैसे तो देखिए काउंटिंग चल रहा है तो आखिरी तक इंतजार करना चाहिए, फिर भी हम लोगों के जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी वो बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ जाऊंगा। हिमाचल जा सकते हैं? हाँ हिमाचल ही जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अच्छा, कुछ हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है क्या? विधायकों को नहीं यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी स्तर पर जाती है। अच्छा, गुजरात में सर काफी आगे दिखाई दे रही है भाजपा, कांग्रेस जो है वो 52 सीट जो है वो पीछे दिखाई जा रही है और आपकी जो है वो 8 सीट लाने में कामयाब रही है, 8 के आसपास। जो आप पार्टी कहते थे ना कि कांग्रेस बिल्कुल साफ आपकी सरकार बन रही है, तो वो तो खत्म हो गया जी। लेकिन काउंटिंग के आखिरी तक के इंतजार हम लोग करना चाहिए, जैसे मैं हिमाचल के बारे में बोला कि आखिरी तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि किस क्षेत्र का पेटी खुला है ये पता नहीं रहता, तो फिर दूसरे राउंड तीसरे राउंड में अंतर आता है। और गुजरात तो बड़ा प्रदेश है और काफ़ी राउंड होंगे, 20 राउंड के आसपास या उससे ऊपर के राउंड होंगे, 24-7 राउंड होंगे, तो और हिमाचल में छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, मतदाता भी कम है, तो
वहाँ जल्दी रिजल्ट आएगा, गुजरात का रिजल्ट बाद में आएगा, तो हम लोग आखिरी तक इंतजार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी लेकिन लगातार गेन कर रही कांग्रेस को, इसकी कोई रणनीति होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर। वो धीरे धीरे अब सब लोगों को पता चल रहा है ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी। रेपो रेट जो है 4 साल के उच्च स्तर पर है और इस वित्तीय वर्ष में 5वीं बार जो है ये कर्ज जो है महंगा हुआ है, तो लोग अब कर्ज नहीं ले पाएंगे, इसका मतलब ये हुआ हतोत्साहित होंगे, तो वित्त संभल नहीं रहा है वित्त मंत्री जी से। ठीक है, आरोप लगा रही थी कि चरित्र हनन की कोशिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है और हम इसे मात दे करके आगे बढ़ेंगे, तो जनता ने भी मुहर लगा दिया और जमानत तो लिया ना, पहले तो बोले थे फर्जी है, फर्जी तो फिर जमानत क्यों लिया, सही थी बात, पुलिस थी सरेंडर नहीं किया, मतलब जब पुलिस ने नोटिस दिया तो उसको आ जाना था, आए भी नहीं और फिर जमानत के लिए प्रयास करते रहे, जमानत भी ले लिए, जनता ने जवाब दिया। सर आरक्षण को लेकर अब तक उसमें हस्ताक्षर नहीं हो पाया, हम तो राज्यपाल जी के राजभवन से जो बयान आया था हम लोग तो उसी को मानेंगे, भाई जैसे विधानसभा प्रस्ताव पारित होगा तत्काल हस्ताक्षर किया जाएगा, लेकिन अभी तक के तो नहीं हुआ है। किसी कोर्ट जाने से रोका जा सकता है क्या? कोर्ट में क्या फैसला होगा उससे पहले से कोई कैसे अनुमान लगा सकता है? राज्यपाल महोदया ने जो बयान दिया था कि तत्काल होगा और उसके बाद रुक रहा है, तो ये किस प्रकार के संकेत हैं समझा जा सकता है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।